31 दिसंबर 2017 का आज का दिन आराम से शुरू हुआ है। कल रात कुछ 2:30 बज गया सोने के लिए, 11 बजे उठा हूँ, मेरे बाद आशु और कियारा उठे, मैं जाके ब्रेकफास्ट करके आया, आके वापस सो गया, फिर अभी रेडी हुए हैं। अभी 3 बजे हैं और हम जा रहे अंजुना बीच। आपको मैं अभी ये जो गेस्ट हाउस है उसका टूर करा देता हूँ। और ये एंट्री है, यहाँ से आप अंदर जाते हो। एक छोटा सा गेट है, ये मस्त गार्डन है। और ये आते ही पहला रूम है यहाँ पे, ये रिसेप्शन आता है यहाँ पे। यहाँ पे ये मस्त क्रिसमस ट्री लगा है। टोटल कितने रूम्स हैं अपने यहाँ पे? 6 रूम्स हैं इस गेस्ट हाउस में, और अच्छे खासे रूम्स हैं, बड़े रूम्स हैं। ये ऐसा है ये पैसेज, ये रूम हमारा है, और ये जो रूम है वो अजीम और फिरा, ये दोनों आ गए। ऑल सेट अंजुना बीच। मैं ज़रा रूम टूर करा रहा हूँ, गेस्ट हाउस टूर करा रहा हूँ। तो ऐसे जाते हैं, ये रूम इनको दिया है ताकि, ये बड़ा रूम है तीनों के लिए, 2 डबल बेड्स लगे हैं यहाँ पे, एसी है, फैन है, यहाँ पे टीवी है, वहाँ पे छोटा सा वार्डरोब है, वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम है। जाते हमारे रूम की तरफ। ये हमारा रूम, ये देखो, ये गैलरी है, टीवी लगा है यहाँ पे, ये बेड है, और वो बेड पे टिया और कियारा खेल रहे है। कियारा, ओए, क्या चल रहा है? और आशु सामान पैक कर रही है, सब जो लगेज का मैस हुआ है उसको ठिकाने लगा रही है। टॉयलेट बाथरूम है। तो ऐसा लगता है गैलरी से बाहर जब आप आते हो, नारियल का पेड़ है, मस्त नारियल लगे हैं, वहाँ पे गाड़ी है, वहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, मस्त। तो ऐसा ही है ब्रिगेंजा गेस्ट हाउस, ये मुझे मिला एक रूम एक दिन के लिए 4,500 में, सीजन में 2 रूम के 2 दिन के 18,000 प्लस जीएसटी लगा है इस पे। पहुंच गए अंजुना बीच, अभी यहाँ पे लोगों को शॉपिंग करनी है। मुझे ये बीच बहुत पसंद है, अंजुना सिक्लूडेड है और ज़्यादा कमर्शियल नहीं लगता, कमर्शियल वैसे पूरा गोवा है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके बीच है अंजुना। एक टाइम था जब अंजुना बीच पे सिर्फ फॉरेनर्स दिखाई देते थे, फिर वो फॉरेनर्स इंडियंस को दिखाई देने लगे, फिर इंडियंस यहाँ पे दिखाई देने लगे और फॉरेनर्स गायब हो गए। अभी हमको यहाँ पे पीछे, वहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे अजीम और फेरा को शॉपिंग करनी है।
गुड मॉर्निंग नए साल का, मतलब 2018 का ये आपका पहला गुड मॉर्निंग है। आई होप आपका न्यू ईयर अच्छा हुआ होगा। थोड़ा मेरा न्यू ईयर कैसा हुआ वो बताता हूँ। सब करने के बाद हमको 10:30 बज गए यहाँ से निकलने के लिए, और फिर हम गए बागा पे, चल के गए क्योंकि नज़दीक था। बहुत भीड़ थी, ऐसा लगा कि पूरे इंडिया के लोग यार बागा पे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़। बीच पे तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, तो हम को लकीली ब्रिटोस पे एक टेबल मिल गया, हम वहीं सेटल हो गए। 12 बजे के बाद बागा से जाने वाले लोग, कुछ आने वाले लोग, बीच में ये ब्रिज है यहाँ पे, वो ब्रिज के आगे राइट में पार्किंग, लेफ्ट में पार्किंग, पार्किंग से बाहर आने वाली गाड़ियाँ, सारा जैम, पूरा जैम। ये मैं रात के 2 बजे की बात कर रहा, पूरा जैम। और लकीली हम चल के गए थे अभी कियारा की, वो जो गाड़ी होती है ना, बाबा गाड़ी जिसको बोलते हैं, कियारा तो आशु के पास थी इसलिए वो बाबा गाड़ी मेरे पास थी। चल के भी प्रॉब्लम हो रहा था, 10 मिनट का रास्ता हमको आधा पौना घंटा लगा उसके लिए। ये जो गाड़ी थी उसको भी लेके जाना मुश्किल था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको फोल्ड किया बीच रास्ते में और पूरा ऐसे ऐसे सर पे उठा के, हाँ बाहुबली बन गया था मैं तब, बाहुबली, और बाहर आ गया मैं। और फिर गेस्ट हाउस के नीचे आके मुझे याद आ गया कि मेरा कैमरा, मेरा गोप्रो कैमरा, और फिर मुझे याद आया मैंने उसमें डाला था, मुझे वाला गिर गया अभी, क्योंकि उसको फोल्ड किया था और वो खुला पॉकेट है, ऊपर टेढ़ा वेढ़ा होके गिर गया। तो मैंने वो गाड़ी को नीचे उतारा और चेक किया, तो लकीली मेरा कैमरा वो वैसा लगा हुआ वो वहीं पर था, तब जान में जान आ गई, वरना लग गई थी। फिर मैंने वापस गाड़ी को उठाया क्योंकि मुझे ऊपर रूम में लेके जाना था, और तब ये कैमरा ऊपर वहाँ से गिरा। बहुत बुरा लगा, लेकिन अगर खो जाता, कहीं पे गिर जाता तो और ज़्यादा बुरा लगता। ये यहाँ पे गिरा इसलिए ये साइन था कि बाबा ये एक लेसन है, चीज़ें संभाल के रखो। आज 1 तारीख, तो आपको सबको फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आपका नया साल एकदम आपके हिसाब से रॉकिंग जाए, मस्त जाए, आप जैसा चाहते हो वैसे आपको ये नया साल जाए। तो फिलहाल के लिए मैं ये व्लॉग अभी एंड करता हूँ। ये कल शुरू हुआ था व्लॉग 2017 में, 2018 में इसको एंड कर रहा हूँ, लास्ट व्लॉग ऑफ द ईयर हो सकता है ये। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में विथ सम मोर एक्साइटिंग थिंग्स। टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे ऑसम, कीप रॉकिंग, लव विक्रम, बाय बाय।